नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। क्या आप अपनी ज्यादातर किताबें ऑनलाइन पढ़ना पसंद करने वाले लोगों में से हैं? हो सकता है कि आप एक फैन फिक्शन राइटर हो और आपके काम के बहुत सारे प्रशंसक हो। खैर, आज हम इंटरनेट पर मौजूद रीडर्स और राइटर्स के समुदाय के और कैसे स्मार्टफोन ने इस समुदाय को बड़ा, अधिक समावेशी और अधिक सुलभ बना दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 5 वर्षों में नए इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और स्मार्टफोन और इंटरनेट ने कंटेंट के निर्माण और उपभोग को बहुत ही सरलता से लोकतांत्रिक बना दिया है। ये बल्कि भारत के नेक्स्ट 500 मिलियन को न सिर्फ एक आवाज प्रदान करता है बल्कि आर्थिक लाभ भी देता है। द नेक्स्ट 500 मिलियन या NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में उपभोक्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे तकनीक के साथ अधिक आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा नाम निवेदिता है, मैं एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और राइटर हूँ। और मैं हूँ उत्सव, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं एक एक्स इंजीनियर, मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट 500 मिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन ने भारतीय लोगों में पढ़ने और लिखने की आदत को विकसित किया है। मैं 90 के दशक में गुजरात के छोटे से शहर आनंद में पला बड़ा हूँ, जहाँ मुझे शहर की एकमात्र लाइब्रेरी का एक्सेस था। पर हार्डी बॉयज या हैरी पॉटर के लिए कई हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। किताबों की सभी दुकानों में सिर्फ अकादमिक किताबें मिलती थी। मुझे नहीं पता कि आपके बड़े भाई बहन हैं या नहीं, लेकिन मेरे 2 हैं। इसलिए जब मैं केन्या में थी तब मुझे हर तरह की किताबों का एक्सेस था, आर्चीज, टिंकल, अमर चित्रकथा जैसी कॉमिक्स का भी। लेकिन जब मैं 11 साल की हुई तब हम कोयम्बटूर आ गए, जहां हमारी सबसे नजदीकी लाइब्रेरी भी थोड़ी दूर थी और मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे अकेले सफर करना अलाउड नहीं था। इसलिए मुझे अपने स्कूल की लाइब्रेरी पर ही निर्भर रहना पड़ा। लाइब्रेरी के अलावा किताबें पाने का एकमात्र ठिकाना रेलवे स्टेशनों पर के AH व्हीलर स्टॉल थे, अधिकतर कॉमिक्स के लिए। ये वो समय था जब आपका वर्ल्ड व्यू जियोग्राफी तक सीमित था और केबल टेलीविजन के आने तक बाहरी दुनिया से जुड़ने का जरिया था किताबें और मैगजीन्स। ये सब बदला 2000 के दशक के मध्य में, जब हमारे यहाँ इंटरनेट और इंटरनेट कैफे आए। मैं मेरी बहन के साथ तब जाती थी जब उसे कॉलेज का कोई काम करना होता था, और तभी हमारी नज़र हैरी पॉटर फैन फिक्शन पर पड़ी। कुछ प्रशंसक उन्हें लिख रहे थे और बाकी उन्हें पढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि इंटरनेट ने हमें खुद को इस तरह से अभिव्यक्त करने का मौका दिया है जो काफी रिलेटेबल है। ये कहानी पढ़ने की कमी से जूझ रहे देश ने कंटेंट के निर्बाध निर्माण और उपभोग को सक्षम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे अपनाया उसकी है। टिकटॉक, रील्स और यूट्यूब की इस आधुनिक दुनिया में क्या लोगों में कहानियां पढ़ने और लिखने की भारी भूख है, खासकर भारतीय भाषाओं में? इस सवाल का जवाब प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाली निवेश फर्म ओमिडियार नेटवर्क इंडिया के उद्यमी और एंजल निवेशक सिद्धार्थ नौटियाल देंगे। As it turns out, reading देखने में आया है कि भारत में बहुत से लोगों में पढ़ने और लिखने की आदत है। अब कोई भी नो ऑब्जेक्टिव थर्ड पार्टी डेटा आपको यह नहीं बताएगा, क्योंकि भारतीय प्रकाशन बाजार कुछ 100 करोड़ रुपए का था। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें अंग्रेजी होगी, क्योंकि वो इकलौता रिपोर्टेड मार्केट है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को अच्छी तरह रिपोर्ट नहीं किया जाता। एक अंग्रेजी बेस्टसेलर एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ 1000 प्रतियां बिकती हैं, जिससे हमें लगता है कि पढ़ना और लिखना एक खत्म हो चुकी या खत्म हो रही आदत है। लेकिन वास्तव में उस छोटे मार्केट के उस आवरण के नीचे
बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए जब प्रतिलिपि के संस्थापक रंजीत हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि यह मेरी कहानी है, यह मेरा दृष्टिकोण है, मैं पढ़ने लिखने वाले लोगों का एक देश बनाना चाहता हूं और यह तो सिर्फ पहला कदम है। जब आप कहानियां पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं तो कहानियों को कई अलग अलग तरीकों से इस तरह के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा सकता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। यह एक दृष्टिकोण था जो हमारे लिए कंपेलिंग था क्योंकि वो मार्केट अनसुना लग रहा था। यह भारतीय आबादी के एक बहुत ही वंचित वर्ग आधी भारतीय आबादी को ऑनलाइन लाने के लिए एक श्रेष्ठ पहला कदम था और जब हमने ऐसा किया तो अच्छी चीजें होने लगी। यह पता चला है कि स्क्रिप्ट उसी तर्ज पर है और इसका पूरा श्रेय रंजीत और उनकी टीम को है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने वॉटपैड के बारे में सुना है और इसने उन लोगों के लिए एक मंच प्रदान किया है जो शौकिया तौर पर लिखने में भी करियर बनाने की क्षमता रखते हैं। मुझे खुशी है कि प्रतिलिपि जैसे साहित्य मंच भारतीय राइटर्स और रीडर्स की नई पीढ़ी को अपनी प्रतिभा तलाशने के लिए जगह प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जितेश डोंगा। वो गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। पैशन से लेखक जितेश को पहली सफलता कन्फेशन पेज बनाकर मिली जिसे फेसबुक पर 70,000 लाइक्स मिले। लेकिन एक लेखक के रूप में वे ऐसे समुदायों को ढूंढ या बना नहीं सके जो गुजराती में फिक्शन पढ़ना चाहते हों। वर्डप्रेस और ब्लॉगस्पॉट के आगमन के साथ ये सब बदल गया। अब हर किसी का अपना ब्लॉग था। अंग्रेजी में लिखने से जिसकी शुरुआत हुई उसने जल्द ही एक अंतरंग लेखन अनुभव को जगह दे दी, एक उनकी मातृभाषा में, एक भारतीय भाषाओं में। कई भारतीय इन मंचों पर आए और एक यात्रा शुरू की जहां जितेश भारतीय भाषाओं में सामग्री परिदृश्य कैसे बदल रहा है उस पर अपने व्यूज बता रहे हैं। इंडियंस आर मोस्टली स्पीकिंग, भारतीय अधिकतर एक दूसरे से भारतीय भाषाओं में ही बात करते हैं। वो जो पढ़ते हैं वो भी भारतीय भाषाओं में है। वो वास्तव में अंग्रेजी का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट ने भी इसे समझ लिया है और क्योंकि इंटरनेट के पास अब डेटा है तो इंटरनेट को पता है कि अगले 10 सालों में भारत बहुत बदल जाने वाला है, राइट? और मैं ये चीज हमारे युवाओं में भी देख रहा हूं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जहां लोग अंग्रेजी से गुजराती में स्विच कर रहे हैं। मेरा पूरा फीड अभी अंग्रेजी के बजाय गुजराती से भरा हुआ है। ये बिहेवियर व्हाट्सएप के सभी फैमिली ग्रुप में चल रहा है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर हर जगह लोग अंग्रेजी के बजाय गुजराती का उपयोग कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। मतलब हम अगर 2012, 13, 14 के सिनेरियो को देखें तो तब अगर आप अंग्रेजी में लिखते थे तो आप स्मार्ट दिखते थे। ये भाषा अब अप्रचलित होती जा रही है जो हकीकत में अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अंग्रेजी का महत्व नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास गुजराती में कोई अच्छी अभिव्यक्ति है तो उसे फेसबुक पर डालें या प्रतिलिपि पर लिखें या फिर व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। अगर ये वास्तव में अच्छी अभिव्यक्ति है तो लोग इसे पढ़ेंगे और अब हम इस बिहेवियर को बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में किताबों की मार्केट दुनिया की छठी सबसे बड़ी मार्केट है? आयात सहित भारत की प्रिंट बुक मार्केट $3.9 बिलियन या 26,000 करोड़ रुपए की है। 26,000 करोड़! तुम्हें पता है ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR कितने में बनी थी उत्सव? कितने में? 550 करोड़। मतलब इतने में 47 RRR बन सकती है। वाह, मैंने उस फिल्म के बारे में कभी नहीं सुना। क्या नहीं सुना? इसने अभी अभी ऑस्कर जीता है। तुम मजाक कर रहे हो ना? ओ, उसकी बात कर रही हो, अब समझा। हाँ, जरा सोचिए, हमारी आबादी के कारण भारत के लिए मार्केट लीडर्स बनना आसान है। उदाहरण के लिए डिजिटल क्रांति के साथ ई बुक्स की लोकप्रियता आई और फिर जाहिर है किंडल ने 2016 में 200% की वृद्धि देखी जो उनके सबसे बड़े मार्केट्स में सबसे अधिक है। 2019 में EY की एक रिपोर्ट के अनुसार 95% भारतीय प्रकाशन अकादमिक किताबें हैं,
बाकी सारी किताबें बचे हुए 5% में आती है, जिसमें बच्चों की किताबें 20%, नॉन फिक्शन 65% और फिक्शन सिर्फ 15% है। तो इनमें से आप सोच सकते हैं कि इंडियन फिक्शन पब्लिशिंग में गैर अंग्रेजी किताबों का हिस्सा कितना छोटा होगा। इसलिए फिक्शन की मात्रा पूरी पब्लिशिंग पाई का सिर्फ 0.75% है। नॉन इंग्लिश फिक्शन इंडस्ट्री एक राउंडिंग एरर होगी। हाँ, इसलिए लोगों को इसके लिए नए तरीके खोजने पड़े। सुनते हैं प्रतिलिपि के सह संस्थापक और CEO रंजित प्रताप सिंह की कहानी। तो शुरुआती दिनों में जब मैं छोटा था, मैं बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ता था। मैंने चंपक, बालहंस, नन्ना सम्राट पढ़ने से शुरुआत की। फिर मैंने बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी, साबू को बहुत पढ़ना शुरू किया और फिर नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव को पढ़ना शुरू किया। मैंने दुकानदारों के साथ सौदे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास से था और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने दुकानदारों के साथ ये डील करना शुरू कर दिया कि जब आपको कहीं जाना होगा तब मैं 1 या 2 घंटे के लिए आपकी दुकान की देखभाल करूंगा और बदले में आपकी दुकान का ध्यान रखते वक्त आप जो भी देंगे वो मुफ्त में पढ़ूंगा। और जहां तक मुझे याद है, मैंने ऐसा क्लास 6th-7th से लेकर क्लास 11th-12th तक किया होगा। रणजीत रायबरेली में पले बड़े हैं, लेकिन छोटे शहरों के लोगों के लिए ये एक आम अनुभव है। आपके पास किताबों का एक्सेस ही नहीं है, और अगर आपके पास एक्सेस है भी तो आप उन्हें खरीदने के काबिल नहीं है। और रणजीत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इफ वी रिमूव दोस कमिटमेंट्स? अगर हम उन कमिटमेंट्स को हटा दें तो क्या होगा? अगर हम सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट पर ध्यान केंद्रित करें और इसे 200 रुपए में बेचने के बजाय 0 पर बेचें, तो उनका विचार इस प्रणाली को बाईपास करने का है। बात यहाँ नंबर्स की है। अगर आप 100 कहानियाँ ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो शायद आप 101वीं के लिए भुगतान करेंगे और इस तरह क्रिएटर थोड़े पैसे कमा सकते हैं। प्रतिलिपि सब्सक्रिप्शंस मॉडल के जरिए अपने लेखकों को भुगतान करने में सक्षम बना है, लेकिन क्या ये भारत में काम कर सकता है? मैं सिद्धार्थ नौटियाल को हमें ये समझाने कहूंगी। भले ही लोग भुगतान करें, हमें यह मान लेना चाहिए कि लोग दुनिया भर के कई अन्य बाजारों की तुलना में भारत में सेवाओं के लिए बहुत कम भुगतान करेंगे। भारतीय संगठनों को आगे बढ़ाने वाली व्यावसायिक अनिवार्यताएं अलग होंगी। इसका मतलब है आप ग्राहक पाने के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग संचालित दृष्टिकोण नहीं रख सकते। मार्केटिंग पर ही जोर देकर ग्राहकों को अपने साथ जोड़कर फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि उनमें से कुछ इतना भुगतान करें कि उससे आपको आपके मार्केटिंग के खर्च पर रिटर्न मिले। यह तरीका भारत की अधिकांश आबादी के लिए काम नहीं करेगा। ये उस आबादी के छोटे से हिस्से के लिए ही काम करेगा। अब आबादी का यह हिस्सा भी इतना अधिक संरक्षित है कि यह गणित उस हिस्से के लिए भी काम नहीं आ सकता, लेकिन शेष भारत के लिए यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, है ना? तो इस तरह का कोई भी मॉडल जो हम जिन्हें नेक्स्ट हाफ बिलियन या लोअर मिडिल इनकम इंडियन कहते हैं, उन्हें सर्व करता है। उसकी परिभाषित विशेषता ऐसी वृद्धि होनी चाहिए जो जैविक हो, एक उत्पाद जो इतना स्टिकी हो कि लोग बिना पैसे खर्च किए इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उत्पाद अपनी मांग खुद बढ़ाता है। ये काम प्रतिलिपि ने किया है, इसलिए मार्केटिंग पर उनका खर्च ना के बराबर है। उनके लाखों उपयोगकर्ता मौखिक प्रचार के कारण उस पर आते हैं। उन्हें उत्पाद से जबरदस्त लगाव होता है। हमने जुड़ाव के ऐसे स्तर देखे हैं जो अब तक हमने सुने भी नहीं थे। औसत DAU प्रतिदिन प्रतिलिपि पर 1 घंटे से अधिक समय व्यतीत करता है। हमने इस संख्या के बारे में वास्तव में पहले नहीं सुना है। हमने सशुल्क उपयोगकर्ताओं के DAU को भी देखा और उनकी औसत संख्या 2.5 से 3 घंटे तक पहुंच रही है। मेरा मतलब है, ये संख्या बहुत बड़ी है और इसका मतलब यह है कि उनके उत्पाद के प्रति लोगों में जबरदस्त प्यार है। और वास्तव में पहली शर्त यह है कि उपयोगकर्ता उस उत्पाद के लिए भुगतान करे। एक तो यह कि आपके बिजनेस मॉडल को काम करना होगा। उपयोगकर्ता कम भुगतान करेगा और दूसरा,
उपयोगकर्ता को आपके उत्पाद से इतना प्यार होना चाहिए कि वे भले ही कम भुगतान करें, बट वह भी आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगा। प्रतिलिपि में हमने दोनों को देखा है। लंबे समय तक हमें यकीन नहीं था कि प्रतिलिपि जैसे सोशल नेटवर्क या मीडिया नेटवर्क मोनेटाइज होंगे। एक अरसे तक यही लगता था कि विज्ञापन ही एकमात्र रास्ता है। अब समझ आ रहा है कि विज्ञापन एकलौता रास्ता नहीं है और स्पष्ट रूप से इस वक्त प्रतिलिपि के लिए विज्ञापन सबसे कम महत्वपूर्ण मोनेटाइजेशन मेट्रिक है। बात यह है कि हम कितने उपयोगकर्ताओं को भुगतान में कन्वर्ट कर सकते हैं और पहले से ही कंपनी के 10% से अधिक DAU पेड यूजर्स हैं। यह संख्या किसी समय अकल्पनीय रही होगी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। एक तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सही क्राउड और सेवाओं के प्रति रुझान बढ़ गया है। लोगों ने हमेशा हिंदी या तेलुगु या तमिल में न्यूज़पेपर्स या पेपरबैक के लिए भुगतान किया है। लोग इसके लिए ऑनलाइन भुगतान नहीं करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान करने में आसानी भी बढ़ गई है। पहले ऑनलाइन छोटे छोटे भुगतान करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। UPI और ऑटो पे के आने से यह संघर्ष काफी कम हो गया है। मतलब यह है कि जैसे जैसे लोगों को हमारा उत्पाद पसंद आता है, वे ऑनलाइन भुगतान करने में कंफर्टेबल होते हैं और उनके लिए ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो जाता है। हमने देखा है कि सब्सक्रिप्शन काफी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि कंपनियों में सशुल्क उपयोगकर्ताओं की संख्या 1,00,000 हो गई है और आगे चलकर और बढ़ेगी। यह सिर्फ प्रतिलिपि की बात नहीं है, हमने इसे व्यापक इकोसिस्टम में भी देखा है। मुझे लगता है कि बदलाव आ गया है। हमें छोटी टिकटें मिलने की उम्मीद थी और प्रवृत्ति और सहजता के कारण छोटी टिकटें बन रही हैं। ये एक ऐसा उत्पाद है जो छोटे भुगतानों पर काम करता है, बड़े भुगतानों पर नहीं। लोगों को ऑनलाइन लिखने के लिए पैसे मिलने लगे। उसके पहले लोग अपना कंटेंट, लोग पढ़े उसके लिए पैसे देते थे। सेल्फ पब्लिशिंग इस तरह से होती थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उस बारे में बात करेंगे। आपका फिर से स्वागत है। आइए सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में बात करें। भारत में सेल्फ पब्लिशिंग उद्योग पश्चिम के मुकाबले अभी नया है। जाहिर तौर पर चार्ल्स डिकेंस और वर्जीनिया वॉल्फ जैसे लेखकों ने अपनी किताबें खुद पब्लिश की, लेकिन अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया। बेस्ट सेलर इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा लिखने वाले अमीश त्रिपाठी जैसे लेखकों को अपनी किताब में खुद निवेश करना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक प्रकाशकों ने उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया था। अंततः उन्होंने एक साहित्यिक एजेंट को अपनी किताब छापने के लिए मना लिया, लेकिन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने खुद निवेश किया। 2015 में सावी शर्मा की किताब एवरीवन हैज अ स्टोरी एक सनसनी बन गई और वो भारत में सबसे कम उम्र की महिला स्व प्रकाशित लेखिका बन गई। अमीश त्रिपाठी और सावी शर्मा ने अपनी किताबों को प्रिंट फॉर्म में खुद पब्लिश किया था। वॉटपैड और प्रतिलिपि जैसे प्लेटफॉर्म आपको कहानियां लिखने और उन्हें अपने पाठकों के साथ निशुल्क साझा करने की सुविधा देते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग आपको फौरन पैसे मिलने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी यह आपको खुद को परखने का एक मौका जरूर देता है। हालांकि ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण उपलब्ध है जहां वॉटपैड की कहानियां इतनी लोकप्रिय हुई कि वो सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल्स भी बनी और उनके ऊपर फीचर फिल्में भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में वेबटून्स का कल्चर है जिनसे टीवी शो या फिल्में बनाई जाती है। ऑल ऑफ अस आर डेड और ट्रू ब्यूटी जैसे कई लोकप्रिय दक्षिण कोरिया ड्रामा लोकप्रिय वेबटून पर आधारित थे। कुछ ही समय में यहाँ भी ऐसा होने लगेगा। भले ही छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंकु प्रतिलिपि की लेखिका है और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर से है। वो कहती है कि फिक्शन पढ़ना कठिन था क्योंकि हालांकि गांव में हर कोई उन्हें पढ़ना पसंद करता था, लेकिन वहां ज्यादातर अकादमिक किताबें ही उपलब्ध थी। जब उन्होंने हैरी पॉटर फिल्में देखी तो वो वास्तव में किताबें पढ़ने के लिए उत्सुक हो गईं।
लेकिन उन्हें वो किताबें कहीं नहीं मिली। पढ़ने के लिए किताबों की तलाश करते करते उनका परिचय प्रतिलिपि से हुआ। उन्होंने उस पर पढ़ी हुई किताबों से प्रेरित होकर खुद लिखना शुरू कर दिया। अंकु हमें बताती है कि उन्हें ऑनलाइन लेखन से कितना लाभ हुआ। से मेरा ख्याल से जो कमाई मैंने स्टार्ट की थी जो ऑडियो प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो 2020 में ही स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद तो फिर प्रतिलिपि पे सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम का सिस्टम आ गया। अब तो ये है कि अब लालच बढ़ गया है। अब लगता है कि अब नौकरी नहीं करनी, अब यहीं बैठे रहो अपने कमरे में कहानियां लिखते रहो। लेकिन जो मैंने सबसे अच्छा क्राइटेरिया जो मेरा आज तक रहा अपने रीडर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का, वो था लेटर वाइज। मेरी मैंने हमेशा अपनी हर कहानी के एंड में एक लेटर पोस्ट किया है रीडर्स के लिए कि अगर कोई सवाल बच गया हो तो उसके लिए मैं आंसर कर सकूं, या फिर एक डिस्कशन होता है कहानी का, वो सारी चीजें। ऑनलाइन लिखने की एक और विशेषता जो उसे और अधिक मजेदार बनाती है वो है वास्तविक समय में पाठकों के साथ बातचीत करने की क्षमता। अंकु हमें बताएंगी कि वो अपने पाठकों के साथ कैसे संवाद करती है। लेकिन जो मैंने सबसे अच्छा क्राइटेरिया जो मेरा आज तक रहा अपने रीडर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का, वो था लेटर वाइज। मैंने हमेशा अपनी हर कहानी के एंड में एक लेटर पोस्ट किया है रीडर्स के लिए कि अगर कोई सवाल बच गया हो तो उसके लिए मैं आंसर कर सकूं, या फिर एक डिस्कशन होता है कहानी का, वो सारी चीजें। आज प्रतिलिपि विभिन्न माध्यमों में ऑनलाइन लघु कथाओं से लेकर धारावाहिक उपन्यासों तक और ऑडियो बुक से लेकर पॉडकास्ट तक हर तरह की कहानियां कहने का एक मंच है। उनके पास कॉमिक्स और पेपर बुक्स भी हैं। जून 2022 में लगभग 20 मिलियन सक्रिय पाठकों के साथ प्रतिलिपि साहित्य में यूजर जनरेटेड कंटेंट के मामले में देश में सबसे आगे है। एक मजेदार तथ्य, प्रतिलिपि पर यूजर्स द्वारा बिताया गया औसत समय अब फेसबुक से भी अधिक है। औसत यूजर प्रतिलिपि पर प्रतिदिन 70 मिनट खर्च करता है, जो संभवतः भारत में लगभग किसी भी उत्पाद से ज्यादा है। यहाँ डिस्क्लोजर का एक पॉइंट है। IVM पॉडकास्ट जो इस पॉडकास्ट का निर्माण कर रहा है 2020 से प्रतिलिपि का हिस्सा रहा है, इसलिए हम गारंटी दे सकते हैं कि प्रतिलिपि के लेखक पैसे कमा रहे हैं और इससे बहुत खुश है। वे हमें अपनी कहानियों से होने वाली आय से अपने परिवार के लिए खरीदी गई चीजों की तस्वीरें भी भेजते हैं। लेकिन प्रतिलिपि कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। Amazon Kindle 6 भारतीय भाषाओं में काम करता है, Wattpad 4 में, साथ ही अंग्रेजी में जगरनॉट, कन्नड़ में माईलैंग, साथ ही ऐसे अन्य कई प्लेटफॉर्म हैं जो कहानियां ऑनलाइन ला रहे हैं, वो भी विभिन्न व्यवसाय मॉडल और एक्सेसिबिलिटी के विभिन्न स्तरों के साथ, और ये सभी पिछले 10 वर्षों के भीतर लॉन्च किए गए हैं। यह भारतीय प्रकाशन के इकोसिस्टम के लिए एक आदर्श बदलाव है। परंपरागत रूप से भारतीय प्रकाशन उद्योग में गेटकीपर्स का एक समूह रहा है, पब्लिशिंग हाउस, संपादक और साहित्यिक एजेंट, लेकिन उनमें से अधिकांश भारत के महानगरों में स्थित है। इस भौगोलिक बाधा को नेटवर्क की बाधा ने और भी बदतर बना दिया है। जितेश जैसे किसी व्यक्ति के लिए इन गेटकीपर से जुड़ना और अपने लेखन को प्रस्तुत करना लगभग नामुमकिन है। पश्चिम के विपरीत उन तक पहुंचने के लिए यहां पर प्रमुख संपर्कों की कोई डायरेक्टरी नहीं है। भले ही ये गेटकीपर सुलभ हो जाए, लेकिन वे अभी भी बहुत कम और काफी दूर दूर फैले हुए हैं। हमारे यहाँ लगभग 10 से 15 साहित्यिक एजेंट और स्वतंत्र संपादकों का एक समूह है जो हर साल 82,000 कहानियाँ, यानी कि प्रतिदिन लगभग 225 कहानियों का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए अपर्याप्त है। साथ ही अधिकांश स्वतंत्र संपादकों और साहित्यिक एजेंटों का झुकाव अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन की ओर ज्यादा है, और भारतीय भाषाओं के लिए यह इकोसिस्टम लगभग अस्तित्वहीन है। ये सभी कारक मिलकर एक छोटे शहर के लेखक के लिए पब्लिश होना लगभग असंभव बना देते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री इसे बदल देती है। प्रतिलिपि और वॉटपैड जैसे प्लेटफॉर्म गेटकीपर्स को हटा देते हैं। पूरा समीकरण अब सरल हो गया है। लेखक प्रकाशित करते हैं और पाठक उन्हें खोज कर पढ़ते हैं। दर्शक मुख्य रूप से लेखक द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता पर आधारित होते हैं, ना कि सही लोगों से जान पहचान पर। और इससे भारतीय भाषाओं के लेखकों को पंख मिले हैं। शाइना श्रीनिवास शेट्टी एक कन्नड़ लेखिका जो कर्नाटक के दक्षिणी तट पर कुंडापुरा में पली बड़ी हैं, कि ऑनलाइन लिखना उनके लिए क्या मायने रखता है।
मैंने प्रतिलिपि पर ह्यूमैनिटी इज द वर्ल्ड्स लाइट नामक एक कविता प्रकाशित की। उस पर पहली कमेंट मेरे पति ने की थी, लेकिन बाद में मैं खुद को रोक नहीं पाई। हर दिन मैं अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करके देखती कि किसी ने कमेंट तो नहीं की है। फिर लोगों ने अप्रत्याशित स्तर पर मेरी कविता के प्रति अपना प्यार दिखाया। आजकल के संपादकों सहित सारे लोग मेरे काम की प्रशंसा करने लगे। इतनी प्रशंसा और मान्यता मिलना वास्तव में मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। अगस्त 2022 तक शाइना की कहानियों को कलेक्टिवली 9 लाख से अधिक बार पढ़ा गया है और प्रतिलिपि पर 7200 से अधिक पाठक उनकी कहानियों को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में तो इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ऑनलाइन लेखक के लिए सक्रिय पाठकों का बड़ा समूह उन्हें सिर्फ मान्यता ही नहीं देता। जितेश का कहना है कि अब पूरी 3 किताबें प्रकाशित करने के बाद वह प्रति वर्ष लगभग 2 लाख कमाते हैं, जिसमें रॉयल्टी के अलावा ऑडियो और फिल्म रूपांतरण के लिए बेचे जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं। उन्हें दिवंगत और सम्मानित बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी से हुई आकस्मिक मुलाकात याद है। उन्होंने उन्हें पूछा कि प्रतिष्ठा, आय और दर्शकों के दृष्टिकोण से किस भाषा में लिखना बेहतर है, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं में, और उनका जवाब जितेश को आज भी याद है कि राइट इन द लैंग्वेज, उस भाषा में लिखें जिसमें आप सपने देखते हैं। अरबों सपने देखने वालों के देश के पास बताने के लिए अरबों कहानियां हैं, और अब स्मार्टफोन की बदौलत ये कहानियां उन भाषाओं में कही जा रही है जो भारतीयों के लिए सबसे करीबी है, वे भाषाएं जिनमें वे सपने देखते हैं। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट 500 मिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य सवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा Spotify, Apple Podcast या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमीडीआर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले 0.5 अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @yvtravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM podcast पर फॉलो कर सकते हैं। IVM